तो देखा आपने स्टार नेटवर्क में कार्यरत ये शख्स कैसे पुष्प की हर बात में हामी भर रहा था। उसे किसी भी एजेंडे को चलाने में कोई परहेज नहीं था, उन्हें तो बस पैसा चाहिए था। हिंदुत्व का एजेंडा हो या किसी राजनेता के खिलाफ अपमानजनक बातें चलाना, ये सब इन महाशय को मंजूर था। हम आपको बता दें कि स्टार नेटवर्क के भारत में कई भारतीय भाषाओं में 50 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं। मनोरंजन, खेल और फिल्मी चैनलों में स्टार सबसे पहले स्थान पर काबिज है। राजधानी दिल्ली के बाद पत्रकार पुष्प शर्मा पहुंचे स्टार नेटवर्क के कोलकाता स्थित ऑफिस। यहां पुष्प की मुलाकात एड सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत सौरभ श्रीवास्तव से होती है। स्टार नेटवर्क में सौरभ के साथ काम करने वाले उनके कई साथी भी मौजूद थे। पुष्प ने सौरभ को अपने और अपने एजेंडे के बारे में खुलकर बताया। सौरभ और उनके साथी पुष्प के इस एजेंडे को चलाने के तरीके और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाह रहे थे। Hindutva, yeah, we call it Hindutva, you may, might call it spiritualism or documents or whatever you want to prepare, because that liberty is yours. Hindutva is certainly slightly dirty and nasty term politically, so some groups they might not be comfortable for writing Hindutva agenda. So if you want to write spiritualism, then fine. Baat aage badhti hai. हिंदुत्व के बाद पुष्प को अगले फेज में क्या चलाना है, इसके बारे में सौरभ और उनके सहयोगियों से बात करते हैं। फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ हिंदुत्व, सेकंड थ्री मंथ्स आई थिंक आई डिडंट टेल यू, बिफोर वी रैप अप लेट मी रिमाइंड यू, यस वी वांट टू थ्रैश आवर पॉलिटिकल राइवल्स बट इन अ सटायरिकल वे, नॉट इंसल्टिंग देम। सो पप्पू रिटर्न्स, इट्स अ प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ अस इन इंडिया टुडे, सो दे विल कम अप विद पप्पू रिटर्न्स without naming anybody. Public at large, they understand who Pappu is. So in the same way, we are creating with different media partners. So those jingles, those videos can be put with some Pappu kind of category, because he could be the best, biggest contestant for that post. Because when it is pan-India kind of fight, then of course, Congress is the only party who can. कि खाली फेज वाइज में बड़ी ए प्लस प्लस कंपनी के साथ हम फेज वाइज इंस्ट्रक्शन लेंगे। और फिर देन फेज थ्री, फेज थ्री में तो कोई रूल ही नहीं है। आप कीचड़ खेलें, हम भी कीचड़ खेलें, गंगा बाद में नहाएंगे, सो देन देयर आर नो रूल्स। हां, बट मैं एक फिलॉसफी था कि आरएसएस हैज नेवर बीन सो पब्लिकली ऑन मीडिया दैट पार्टी कभी बायस शो नहीं किया। पार्टी बायस नहीं है, ऑब्वियसली एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल आरएसएस हैज बिल्ड बीजेपी, राइट, बट कभी नॉट ऑन द ह्यूमन कम्युनिटी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति एंड डिफरेंट लेसन नोन आइडेंटिटीज। पुष्प ने अब तक जो भी कहा था, जैसा भी कहा था, सौरभ और उनके साथियों को कहीं से कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। पुष्प सौरभ से पहले 6 महीने की डील करने की बात कर रहे थे। सौरभ इस डील को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। पहले 6 महीने का कर लेते हैं। जाते जाते आखिर में पुष्प सौरभ से एक बार फिर से पूछते हैं कि सारी बातें क्लियर तो है ना। साथ ही पुष्प ये भी जानना चाह रहे थे कि उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे को चलाने और पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर किसी नेता की छवि को नुकसान पहुंचाना अनएथिकल तो नहीं लग रहा था। सौरभ ने जो जवाब दिया उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मुझे 19 निकालना, वेरी सेल्फिश ऑन दैट। मतलब अनएथिकल का तो वो बात ही नहीं है, बट हाउ कैन वी बेस्ट मीट योर ऑब्जेक्टिव एंड से इट इन द राइट मैनर, व्हाट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट। आई फील सर 45 डेज, हां,
आईपीएल में तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं आईपीएल में. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट. मुझे ब्रीफ तो सुना आपने, सौरभ को कहीं से कोई भी चीज अनएथिकल नहीं लग रही. वो तो बस इस सोच में थे कि पुष्प की प्लानिंग को कैसे बेहतर तरीके से सफल बनाया जाए. स्टार जैसे बड़े नेटवर्क में बैठे इस शख्स को पैसे के आगे ना हिंदुत्व के एजेंडे को चलाना गलत लगता है और ना ही किसी के चरित्र से खेलना. पत्रकार पुष्प की अगली मुलाकात स्टार समूह के EVP एड सेल्स आराध्य चक्रवर्ती से होती है, जिसके बारे में सौरभ ने पहले ही बताया था. आराध्य चक्रवर्ती को पहले से ही पुष्प के एजेंडे के बारे में जानकारी थी. And 19 we are targeting. Now elections are closing by, and we have to start from somewhere. Mm. So what exactly is in your mind? What exactly is in your mind? What do exactly want to do? We want to start. There are only two things which we want. Number one is about the Hindu code. Munna, call aaye to don't le lena. Mujhe bata dena. There are only two things which we are looking. Number one, soft Hindutva. We call it Hindutva. Hindutva in politics or media is slightly dirty or nasty term, but we call it Hindutva. Hindutva, we are talking everything dignified about us, but we are not talking anything offensive to anybody. Srimad Bhagavad Gita and Lord Krishna, that's it. Revolving around Srimad Bhagavad Gita and Lord Krishna. So that end of the day, when the situation is galvanizing with Hindutva vibes, so we can get or we can expect something in terms of the political dividends out of it. It's starting because there are hardly we are having 8 to 10 months. Because at the insider, we are getting feeler that it might prep on 6 months. So 6 months before mean November or December. So hardly we are having 8 to 10 months. So anyhow, we have to start right away aggressive. We are not moving now phase wise. Earlier there were 3 phases. Test and trial phase for first 3 months, and then soft threshing to my political rivals, and then aggressive campaign. Now straight away we are going into Hindutva. After Hindutva for 15 days or 1 month, we will straight away go into aggressive campaign. You want it only in the mainline Hindi channel, Star Plus. Everything, whatever the Star is having, everywhere. English maybe. Hot Star. जो भी कुछ आपके सारे वर्टिकल्स डिजिटल सब कुछ जो कुछ है बंगला मराठी सब कुछ जो कुछ है साउथ के चैनल्स में भी हम अगर हमने बात की तो सब कुछ किया बात की 44 चैनल्स जिसके साथ जा रहे हैं पूरे मन से जा रहे हैं यार इधर विल बैंग फ्रॉम द फ्रंट अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड. आपका ऐसा कुछ है हाउ मच इन स्टार प्लस हाउ मच इन स्टार ये कौन डिसाइड हम डिसाइड करेंगे आप डिसाइड करेंगे हम लोगों ने अपना एक बजट बता देना है उस बजट के अंदर उस बजट में एक देखिए आप एक बजट बताएंगे हाँ उसमें जो हमारे प्रायोरिटीज हैं उसके बजट में अलग अलग चैनल से अलग अलग प्राइस आई गॉट द पॉइंट जस्ट अकॉर्डिंग टू द टीआरपी. ओके सो कितना एक्सपोजर चाहिए आपको 30% तो आप क्रिकेट को दे दें हॉटस्टार जो भी आपके गेमिंग से रिलेटेड है बाकी 70% आप सब कुछ बांट दो ठीक है अभी 3 महीने तक ही चलने दो उसके बाद हम डिजिटल को भी ड्रॉप इन करेंगे आपका जो डिजिटल वर्टिकल है उसके लिए सेपरेट बजट सर वही है हॉटस्टार डिजिटल ही है डिजिटल ही है ठीक है तो 30% इन स्पोर्ट्स एंड बाकी 70% इन जी जो भी कुछ व्हाट इज द लाइकली बजट आई थिंक आई हैव मेंशन समथिंग नहीं मेल छोड़िए लेकिन जो स्टार्ट होगा वो जो 10% बजट आपको मिलेगा वो 50 मिलेगा सिर्फ 27 तक अभी बस कुछ करना शुरू करना है तो हम 50 डालें बाकी आपके हेल्थ सजेशंस होंगे हमारे इंटरनल लोग बिल्कुल वो तो हम इंटरेस्टेड जस्ट फॉर कि शुरू कैसे एक मोटा मोटा प्लान हम कि हम स्टार्टिंग एटलीस्ट 50 या कुछ स्टार्ट विद 100 एंड देन वी विल सी ओवर अ पीरियड दैट हाउ इट गोस अगर अभी राइट नाउ हम प्लान फ्रीज करते हैं तो हम बाकी सब सो वी विल स्टार्ट विद द 50 टू 100 का मिनिमम प्लान करेंगे देन वी विल सी हाउ वी विल रोल इट फॉरवर्ड ठीक है डन 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 आपकी तरफ से जो आ रहा है वी आर एक्सेप्टिंग इट क्योंकि अभी हम लोग वी आर नॉट इनटू मनी मेकिंग वी आर इनटू प्रोपगेशन ऑफ अ थॉट और ये हार्ड एंड मनी नहीं है मैं तो सीधा बोलता हूँ नीचे भी बहुत सी कॉर्पोरेट फंडिंग है जो करना है कर दो शुरू कर दो दैट्स इट जस्ट फ्यूज द डील एंड स्टार्ट मूविंग. स्टार ग्रुप के अलग अलग अधिकारियों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस समूह में भी पैसे देकर कुछ भी चलाया जा सकता है. स्टार इंडिया देश भर में विभिन्न भाषाओं में 60 से अधिक चैनल चलाता है जिसकी कुल पहुंच 72 करोड़ लोगों तक है.